नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों की तारीख सामने आ गई है। चुनाव आयोग ने आज दोनों ही राज्यों की चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है और उसके रिजल्ट कब आएगा ये भी बता दिया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड ये दो राज्य हैं जहाँ पर अब चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, जिसमें महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए चुनाव होगा और ये पूरा का पूरा चुनाव एक चरण में करा लिया जाएगा। और इसकी जो डेट होगी वोट डालने की वो होगी 20 नवंबर। वहीं दोस्तों, अगर झारखंड की बात करें तो वहाँ पर विधानसभा की 81 सीटें हैं, तो ये जो 81 सीट्स हैं इस पे जो चुनाव होंगे और वो ये होंगे दो चरणों में। पहला चरण होगा 13 नवंबर को। वहीं अगर दूसरे चरण की बात करें तो ये दूसरा चरण होगा 20 नवंबर को। और वहीं अगर इनके वोटों की गिनती की बात करें दोनों राज्यों के, तो वो होगी 23 नवंबर को। यानी कि इन दोनों राज्यों में जो रिजल्ट आना है वो 23 नवंबर को आ जाएगा। दोस्तों, अगर अब इसमें पार्टी वाइज बात करें तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव बिल्कुल नाक का सवाल है, क्योंकि भाजपा के पास इस वक्त जो एक एज मिली है, जो एक कहते हैं कि चुनाव में जो एक पहले नैया सी डूब गई थी लोकसभा चुनाव में भाजपा की महाराष्ट्र में, वो रिकवर करने का अब चांस है विधानसभा के जरिए। अभी महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे हैं, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, जो कि उद्धव ठाकरे की जो पार्टी थी शिवसेना उससे अलग हुए और इन्होंने अपनी शिवसेना पार्टी ले ली। उद्धव ठाकरे की भी शिवसेना पार्टी है लेकिन वो अलग है, वो उद्धव शिवसेना ठाकरे की है। तो ये जो पार्टी अलग हुई, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, अब इन्हीं के साथ भारतीय जनता पार्टी की सोचिए, सीट्स तो बहुत ज़्यादा हैं विधानसभा में लेकिन राजनीति का समीकरण ऐसा बना कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकी। तो इनके जो सबसे लोकप्रिय नेता हैं महाराष्ट्र के, जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो देवेंद्र फडणवीस थे। अब देवेंद्र फडणवीस इस वक्त डिप्टी सीएम हैं। तो दोस्तों, अब ये चुनाव के बाद देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने डिप्टी सीएम को क्या सीएम बना पाती है या नहीं। वहीं एकनाथ शिंदे किस हिसाब से चुनाव को लड़ते हैं, सीट का बंटवारा कैसे होता है, ये सारी चीज़ देखने वाली होगी। और वहीं सामने एक चीज़ ये देखने वाली होगी कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना की जो शिवसेना है और एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, इन दोनों के बीच चुनाव में फाइट कैसी होती है और जनता अपना आशीर्वाद किसको देती है। वहीं अगर लोकसभा की बात करें तो ये जो जनता का आशीर्वाद है वो तो एकनाथ शिंदे की पार्टी को मिलता हुआ दिखा था, लेकिन अब जो विधानसभा के चुनाव हैं ये देखने वाली बात होगी। वहीं एक जो पार्टी है मनसे, यानी कि महाराष्ट्र नव निर्माण सेना, जो राज ठाकरे की पार्टी है, उसकी भी देखनी होगी कि परफॉर्मेंस कैसी रहती है। अभी तक तो हालांकि चुनाव में वो अपना कुछ असर छोड़ नहीं पाए हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, लेकिन अब ये देखना होगा कि वो इस बार क्या कर पाते हैं। वो इस बार तो उत्तर भारतीयों के खिलाफ उतना कोई गलत व्यवहार करते हुए तो नहीं देखे गए हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि जनता उनको किस हिसाब से लेती है। वहीं अगर बात कांग्रेस और एनसीपी की करें तो एनसीपी में सबसे बड़ी चुनौती शरद पवार के लिए ये होगी कि वो अपनी बेटी सुप्रिया सुले को किस प्रकार से राज्य की राजनीति में आगे लाकर खड़ी करती हैं, क्योंकि सुप्रिया सुले लोकसभा का चुनाव लड़कर केंद्र में आई हैं। वो राज्यसभा के लिए जो राज्यों की सीट्स हैं राज्य में, वो उन्होंने वो सफलता नहीं हासिल करी है। तो जो शरद पवार हैं वो चाहेंगे कि उनकी बेटी किसी भी तरीके से राज्य की राजनीति में स्थापित हो जाए, तो ये देखने वाली बात होगी। बल्कि वहीं उनके जो भतीजे अजीत पवार, जिन्होंने एनसीपी को तोड़कर अलग पार्टी बनाई, अब उनका भी देखना होगा कि वो क्या असर डालते हैं चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो एक तरह से बोझ हैं, वो एक तरह से किसी भी काम के नहीं है, क्योंकि लोकसभा के जब चुनाव हुए
तो उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो ये देखने वाली बात होगी कि अब इसमें कैसे क्या होता है। दोस्तों अब इस पर कुछ और अपडेट जैसे जैसे आती जाएगी मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।